पूर्णिया में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोग त्रस्त हैं, किंतु पुलिस ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। यही वजह है कि पीड़ित परिवार के सदस्य अब पूर्णिया पुलिस कप्तान तक को असक्षम मानने को मजबूर हो रहे हैं। वजह यह भी है कि अभी रैक्सीन व्यवसायी विनोद जायसवाल एवं जनअधिकार पार्टी के कार्यकर्ता रोहन सिंह पर गोली चलाने की घटनाओं को लेकर लोगों का गुस्सा ठंडा भी नहीं हुआ था कि महज कुछ ही घंटे बाद केहार थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी में बेखौफ अपराधियों ने एक टावर गार्ड पंकज कुमार झा को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिनको तत्काल उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। गार्ड पंकज झा एयरटेल टावर में ड्यूटी पर तैनात थे और रात करीब 2:30 बजे सामने के मिथिलेश राय के घरों में 5 से 6 की संख्या में लोग घुस गए और गेट तोड़कर महंगे सामानों की चोरी करने लगे। इसी बीच जब गार्ड पंकज कुमार झा की नींद खुली तो आवाज देने पर लुटेरों ने पंकज झा को गोली मारकर घायल कर दिया और सभी अपराधी वहां से फरार हो गए। सूचना देने के बाद पुलिस आई और पूछताछ की, किंतु उसके बाद पुलिस को जिस तरह की कार्रवाई करनी थी नहीं कर पाए, जिसके कारण पंकज झा समेत कई लोग काफी नाराज दिखे और पूर्णिया पुलिस कप्तान पर भी अपना भड़ास निकाला। साथ ही खपा लोगों ने कहा कि यह इलाका वरिष्ठ अधिकारियों का रेसिडेंशियल इलाका है, इसके बावजूद अपराधी यहां बेखौफ घटना को अंजाम दे रहे हैं तो अन्य इलाके की क्या हालत हो सकती है। आप इस घर में गार्ड के रूप में नहीं होते तो क्या सब कर सकता था वो लोग? पूरा घर को खंगाल लेता। यानी कि लूट के इरादा से आया था या फिर कुछ और? लूट के ही इरादा से आया था। तो उस गोली मारने के आपके गोली मारने के बाद वो लोग किधर चला गया सर? किधर ये साइड में किधर भागा? रात का समय था तो क्या पैदल था या गाड़ी से था? पैदल था, सारे लोग पैदल थे। ये कितने बजे रात की घटना है सर? 2:20 की घटना है सर। इससे पहले भी इस तरह का कुछ हरकत इधर हुआ है क्या? इससे पहले नहीं हुआ है तो उसके बाद सर क्या हुआ? फिर आपका उपचार किस तरह से हुआ? हमने खबर किया तो प्रशासन आया, गश्ती वाला गाड़ी था, वो गाड़ी आया, वही हमको ले गया। एक मेरे पदाधिकारी है। वो कहाँ ले गया सर आप लोग को? सदर हॉस्पिटल ले गया। तो उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें क्या सब हुआ? कानूनी प्रक्रिया में तो यही हुआ कि एप्लीकेशन लिखा के लोग ले गया, हमसे दस्तखत करा के मेरे पदाधिकारी जो थे आए तो वो अपना अथी दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बाद ले गया। उसके बाद से तो प्रशासन आया ही नहीं। तो उसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए उस क्या हो पाया, क्या जानकारी आपको दी गई? तो कोई हमको सूचना ही नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। सर रात में ही डॉक्टर भी आपको वहीं से डिपार्च कर दिया? जी हाँ, रात में पट्टी बांध दिया। रात में वही 15-20 मिनट रोका था। हमें सूचित मिला, हमको सूचना मिली इनके द्वारा 5 बजे सुबह टेलीफोन से कि रात में घटना हो गई है, हमको गोली मारा है। वहाँ से हम आए तो हम जब घटना का ताक्यात किए तो ज्ञात हुआ कि ये अपने टावर में थे। इनके यहाँ जो नौकर रहता था उसके यहाँ शादी था, तो मालिक को फोन से कह के चंडीगढ़ वह चला गया। तो ये रहते थे तो देखते सुनते थे, अपना सामने में थे, ये भी बैचलर रहते हैं यहाँ पांडे जी। तो जब यहाँ खटखट होने लगा तो पहला ये गेट तोड़ा है जो आपको दिखलाते हैं अभी, तो गेट तोड़ा, फिर इस लॉक को तोड़ा, वो लोग भीतर जाके टीवी एक निकाल लिया। उसके बाद भीतर में एक सीढ़ी घर है जो अभी आपको दिखलाएंगे, सीढ़ी घर का कब्जा तोड़ा, वह तोड़ रहा था। इसी तोड़ने के क्रम में इनकी नींद टूटी, तो ये सोचे कि शायद मेरे टावर का कुछ तोड़ रहा है, गेट वगैरह चोर है क्या है। तो निकल के यहाँ आए तो इनको आभास लगा कि इस भीतर में 2-3 आदमी आए, तो ये वहाँ से बोल दिए कि ये बोलना देरी था कि वो लोग सब तरफ से दौड़ना शुरू किया और ये आ गए थे इस जगह बीच रोड पर, तो ये भाग पीछे गए। पीछे जो गए कि बदल इधर से गोली इनको मारा जो आके लग गया उठौना में। उसके बाद इनको ये नहीं आवाज़ हुआ कि हमको गोली लगी है, गोली के आवाज़ पर ही जान बचाने के लिए फिर अपने रूम में चले गए, वहाँ लॉक किए और सारे परिचित आदमी पहले अपने इंजीनियर को फ़ोन किए, ये इंजीनियर सर रहते हैं जनता चौक पर, ये वहाँ से अपनी कार से चले तो गश्ती जा रहा था खजांची यार का। उस वो मिला तो ये ओवरटेक करके रोक के कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई हमारे गार्ड के साथ इस मोहल्ले में, सो चलिए हम देखे हुए हैं तो कैसे हुई है। कल के हमको कुछ जानकारी नहीं, हमको गार्ड ने फोन किया, हम उसी आधार पर जा रहे थे, आपकी गश्ती दल को देखे तो रोक गए तो इनका गाड़ी वहीं लॉक करवा दिया
और इनको जीप पर लेके यहाँ आया। यहाँ पर सब देखा, तब देखा कि यहाँ पर तोड़ा वोड़ा हुआ है, तो उसमें देखा गया कि एक टीवी नहीं है, बाकी हम भी आए तो देखे। शासन जो है अभी साफ निकम्मा है पूर्णिया, और हॉस्पिटल की व्यवस्था, इस दोनों व्यवस्था पर आपको, आप संवाददाता हैं, आपको हम कह रहे हैं कि इस चीज़ को आप हाईलाइट कीजिए। यहाँ के थाने में कोई व्यवस्था नहीं है और हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि ये लोग जो रात में गए, तो जिस समय थाना का आदमी गया, जिस समय थाना का आदमी गया तो इनको तो वहाँ रोकना चाहिए, थाने के एक क्या कहते हैं इंजरी रिपोर्ट के अनुसार इनको वहाँ एडमिट कराना चाहिए। वो लोग पट्टी बांध दिए और इनको छोड़ दिए, फिर प्रशासन लेके आया और हमारे इंजीनियर साहब आए और ये आकर के यहाँ पर तब गोली कांड को भी गंभीरता से नहीं लिया। सब व्यवस्था लचर है, यहाँ के एसपी का हम दोष देंगे, एसपी नहीं है टाइट, इसका मतलब ये लोग दूसरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अपराधियों में और सामाजिक तत्वों में पुलिस का कोई डर है? कोई डर नहीं है। अभी देखिए क्या है, हम अपना जो मेरा ख्यालात है उसके अनुसार आपको कह रहे हैं कि जितने सरकारी पदाधिकारी हैं, प्रशासन विभाग हो जो हो, वह बिना काम का तनख्वाह लेते हैं सरकार से और काम का घूस लेते हैं लोगों से। हुआ क्या कि इनका मेरे पास, हम यहाँ के एयरटेल के प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, ठीक है, पांडे जी का फ़ोन मेरे पास 2:15 बजे रात में गया। हम अचानक अपना फ़ोन उठाए, देखे हम हस्बैंड वाइफ थे, हम बोले तो 2 नंबर टावर का गार्ड का फ़ोन है, कहीं लिए फोन कर रहा है। फोन उठाया, जैसे फोन उठाया वैसे इधर से ये रोने लगे, बोले सर जल्दी से आइए, मेरा जान बचा लीजिए। हम बोले हुआ क्या? तो सर यहाँ डकैती हो रहा था, हम हल्ला किए, हमको गोली मार दिया है सर, हम ऐसे रोड पे गिरे हुए हैं, मेरा जान बचा लीजिए सर, नहीं तो मर जाएंगे। हम बोले ठीक है, पांडे जी आ रहे हैं। हम 2-4 लोग और अपना कंपनी के जो लोग हैं, 2-4 लोग दोस्त मित्र को कॉल किए, जो यहाँ पे टेक्नीशियन इंजीनियर जो लोग हैं, कि भाई 2 नंबर साइट पे, मेरा ए साइट का नाम है 2 नंबर, पूर्णिया 2 नाम है, सबको बोले कि भाई चलो वहाँ पे ऐसा ऐसा बात हुआ है, सुनने में आया है कि पांडे को कोई गोली मार दिया है। वो लोग बोला कि ठीक है सर आप पहुँचिए, हम लोग भी पीछे से आ रहे हैं। हम वहाँ से अपना गाड़ी, हम सोचे कि बाइक लेकर के जाना ठीक नहीं रहेगा, अब अकेले पहुँचेंगे, कैसा है कंडीशन नहीं है, तो हम अपना कार निकाल लिए, कार लेकर के हम आ रहे थे रास्ते में। जैसे जनता चौक से करीब हम 100-150 मीटर आगे बढ़े होंगे, तो उधर से किस्मत से थाना का गाड़ी उधर से आ रहा था, ठीक है बड़ा बाबू, अब क्या नाम है उनका ये हमको नहीं पता, गश्ती वाले थे। हम गाड़ी ओवरटेक करके थाना की गाड़ी के सामने में अपना गाड़ी लगा दिए और उनको बताया कि सर देखिए ऐसा ऐसा घटना है, मेरा एक टावर है 2 नंबर पूर्णिया जल्दियाजी चौक पे, वहाँ से मेरे गार्ड का फोन आया है कि यहाँ चोरी वोरी हो रहा था, हम हल्ला किए, हमको गोली मार दिया है सर, जल्दी से आइए। अब सच्चाई वहाँ क्या है ये हमको भी पता नहीं है, वहाँ चलने के बाद पता चलेगा। तो वो लोग भी हमको बोले कि ठीक है चलिए साथ में, हम लोग चल रहे हैं, आप देखे ना, तो हम बोले कि हाँ हम देखे हुए हैं। तो वो लोग हमको अपनी गाड़ी में, मेरा गाड़ी वहीं पे डीआईजी चौक पे साइड में खड़ा करके लगवा दिए, वहीं पे हम गाड़ी लगा दिए और उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके यहाँ तक हम लेकर के आए। यहाँ आने के बाद देखे कि पांडे जी को गोली लगा हुआ है रोड पे सामने में, गेट के सामने में गिरे हुए हैं। फिर सब लोग, हम लोग देखे, थाना प्रभारी थे, पुलिस वुलिस 2-4 लोगों की सहायता से हम लोग इनको लेकर के पहुँचे सदर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद वही 10-15 मिनट लगा, लोग एक आध इंजेक्शन वगैरह दिया, बोला कहीं कुछ नहीं हुआ है, बैंडेज पट्टी किया, बोला कि जाइए आप लोग, कुछ नहीं हुआ, तुरंत लेकर हम लोग चले आए। तो पुलिस कार्रवाई जो होनी चाहिए इस आपराधिक घटना को लेकर के, पुलिस ने उस हिसाब से आप लोगों के मुताबिक काम किया है या नहीं किया है? पुलिस कहाँ उस हिसाब से काम किया है, नहीं किया ना कुछ, नहीं गंभीरता से भी नहीं लिया। अच्छा सर, आपको आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो एरिया है ये प्रशासनिक वरीय अधिकारियों का आवास भी है? जी, इस चीज को ध्यान रखा जाए, यहाँ पे मेरे एसएसबी के डीआईजी साहब भी रहते हैं, यहाँ एसपी कोठी भी है, यहाँ डीएम भी रहते हैं, ये रेसिडेंशियल एरिया है, बहुत एरिया बोला डीआईजी साहब की भी आवास है। जी यहाँ पे डीआईजी भी रहते हैं, एसएसबी के डीआईजी साहब भी रहते हैं चौक पे, कमिश्नर साहब का भी। जी, डीआईजी साहब रहते हैं, एसपी साहब रहते हैं, यहाँ डीएम साहब रहते हैं और उनके घर के सामने में ऐसा घटना हो रहा है, बताइए। पौस एरिया है पूर्णिया का सबसे बढ़िया रेसिडेंशियल एरिया, पौस एरिया बोला जाए तो ये, वहाँ पे सुरक्षा नहीं है। और उस एरिया में भी गश्ती होने के बावजूद भी अपराधियों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, कुछ खौफ नहीं है,